तरह की बात करें जो फैक्चुअली इनकरेक्ट ना हो या हम इसको वापस उस तरह की एथिकल जर्नलिज्म की तरफ हम किस तरीके से में वापस आ सकते हैं क्या मीडिया की डिविजन आपको खत्म होती नज़र आ रही हैं या कुछ बहुत शुक्रिया महमल आपने मुझे इतने अच्छे पैनल के साथ बिठाया है और बहुत सारी बातें यहाँ पे कह दी गई हैं लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हम सब ये बात जानते हैं जो यहाँ पे बैठे हैं कि मीडिया भी इतना नन्ना नहीं है जो सहाफ़ी हैं और जो टी वी चैनल्स हैं उनके अपने जो एजेंडाज हैं उसके ऊपर इस हद तक काम करने की वजह से हम ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं कर सके और हम जो बड़े फ़ैंसी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हम पे तनकीद होती है और पोलराइजेशन हो गई है मीडिया में भी तफरीक हो गई है हकीकत यह है कि हमें गालियाँ पड़ती हैं हमें एयरपोर्ट्स के ऊपर गालियाँ पड़ती हैं जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें सुनाई जाती हैं बेशक उन लीडरान की जिम्मेदारी थी कि वो अब जिस का ज़िक्र मंसूर भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद हमने भी उस चीज़ को रिवर्स करने के लिए किस हद तक अपना किरदार अदा किया उसको वो टी वी के जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं मैं खुद पूरा हफ्ता प्रोग्राम्स करके आई हूँ लेकिन उसके अंदर जिक्र नहीं था कुछ सेल्फ सेंसरशिप भी हमारी होती है लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर हमें भी वही मवाद चाहिए होता है जो मेन स्ट्रीम ख़ासकर वो आ, सूबा सूबा पंजाब से मुतल अगर कोई बात हो तो उसके अलावा आपके सामने कोई गरीब अगर खुदा न खासा खम्भे पर भी चढ़ रहा हो तो वो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और कौमी असेंबली की सबसे ज्यादा नशितें पंजाब से निकलती हैं तो पिछले कुछ दिनों के अंदर वाना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं गिलगित में बर्फ के अंदर फैमिलीज बैठी हुई हैं और एहतजाज कर रही हैं गवादर में भी एहतजाज हो रहा है मैं ये नहीं कह रही कि हम बाकी तमाम पोलिटिकल चीज़ों पॉलिटिक्स जो हो रही होती है वो ऑब्वियसली फॉर द फ्यूचर शेप अप कर रही होती है सूरत हाल को लेकिन कि अगली हुकूमत कौन आएगी उनकी पॉलिसीज क्या होंगी और ऑब्वियसली ये जो मसाइल इन सब लोगों को मौजूद हैं उनके क्या हल होंगे लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा करियर उतना तवील नहीं है जितना यहां पर बाकी आ, मेरे सीनियर्स का है। लेकिन मैंने मुझे कभी चैनल्स की भी कोई प्लानिंग नजर नहीं आई हमने खबरें पढ़ी दिन में छह घंटे लेकिन उन बुलेटिन को हम कैसे प्लान करते थे उसके अंदर कोई दूर किस्म की प्लानिंग कुछ वाइज लोगों का इकट्ठा बैठना और कहना कि इन चीजों का असरा क्या होंगे यही खान साहब का धरना था आप सबको याद होगा और हमने कवरेज की है इसकी मैमल मैराथन ट्रांसमिशन की थी इमरान खान साहब जितनी दफा स्टेज पे आते थे हम सब दुनिया की चीजें काट के पहुंच जाते थे खान साहब की गुफ्तु सुनाने के लिए आज हम कहते हैं कि ओए ओए कहते थे तो हम उस वक्त वो बात क्यों चलाते थे आज भी तो हम सेंसर करके ही उनको चला रहे हैं ना क्योंकि आज वो तनकीद करते हैं सबसे ताकतवर हल्कों के ऊपर उस वक्त वो पाकिस्तान के आवाम को पाकिस्तान के सहाफ़ियों को पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स उनके ओनर्स उन सब को निशाना बनाते थे उसको हम चलाते थे तो मैंने ताती तौर पर बहुत मिस किया है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग को मीडिया हाउस में होते हुए मैंने नहीं देखा कि किसी ने बैठ के सोचा हो कि हमने कैसे शेप अप करना है अपने जर्नलिज्म को बेहतर करने के लिए कभी टीवी जो डिफरेंट चैनल्स हैं उनके मालिक का साथ बैठना तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन फिर भी जो तंजीमें हैं सहाफती उनकी तरफ से सिवाए अच्छे अच्छे सेमिनार का इनका करके उसके अंदर ये तमाम पोलिटिकली करेक्ट बातें करने के अलावा मैंने कभी कोई प्लानिंग होती हुई नहीं देखी और आई थिंक यही वजह है कि आज लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है और जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए वो लोगों को बोरिंग लगती हैं और उसके ऊपर जब आप बात करते हैं तो आपके बहुत सारे काबिल कदर जो सीनियर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि प्राइम टाइम प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के ये इन चीज़ों के ऊपर कौन बात करता है क्या तुम टी को हर रोज़ तालिबान की बातों को लेके बैठ जाते हैं आप लोग सो मैं ये समझती हूँ कि हमें जो अहम पोजिशन के ऊपर मीडिया के अंदर लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से जो ये हालात का पेश खैमा हमारे सामने मौजूद था जिसका मंसूर साहब ने जिक्र कर दिया ये हमारे सामने था कि हालात इस तरफ जाएंगे और अब वाकई बहुत दुख के साथ आज ये बात ये स्टेज के ऊपर हो रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें क्या क्या फेस करना पड़ सकता है लेकिन उसका क्या इतराक़ किया वक्त से पहले क्या प्लानिंग की मीडिया ने मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह निशान है